हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई एम गोना शेयर विद यू अनदर कलेक्शन वीडियो। इस टाइम पे मैं आपके संग स्टार्ट कर रही हूँ एक सीरीज जिसमें मैं आपके संग अपनी कलेक्शन वीडियोस शेयर करूँगी। लाइक मैंने अपना स्किन केयर शेयर कर दिया है, नेक्स्ट आ रहा है आपका मेकअप है, और अभी मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ हेयर टूल्स जो कि मेरे पास हेयर कलिंग है, हेयर स्ट्रेटनर है, वो टूल्स मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा काफ़ी सारी कलेक्शन वीडियोज़ अगर आपको देखनी है और कुछ देखना चाह रहे हो जो मैंने अपलोड नहीं किए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बैग कलेक्शन भी आएगा एंड नील पिन कलेक्शन भी आएगा, ज्वेलरी कलेक्शन भी आएगा। मुझे पता है आप लोगों को ज्वेलरी बहुत पसंद है एंड बैग्स मुझे बहुत पसंद है, ज्वेलरी पसंद है, मेकअप पसंद है, तो ये तो मैं आपके संग शेयर करूँगी। इसके अलावा अगर आप कुछ देखना चाह रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो एंड वीडियो अगर आपको पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज़ गाइस रिक्वेस्ट रहेगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट स्ट्रेटनर से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे है मेरे पास ये ब्रश हेयर स्ट्रेटनर फ्रॉम फर्स्ट हेयर स्ट्रेटनर। विच ब्रांड इज दिस? इज द फास्ट हेयर स्ट्रेटनर, इसी का यही नाम दे रखा है। इट्स अ लोकल। पहले मैं इसी तरीके की बाय करती थी, कोई एक्सपेंसिव नहीं, एक्सपेंसिव आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, मैं आपको पहले ही बता दूँ। यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही है जो आई थिंक 2-2.5 हज़ार की है बस, इसके अलावा स्टार्टिंग ही 250 रुपये से है, तो ये आई थिंक 350 रुपये की है। इट्स अ कोम हेयर स्ट्रेटनर कुछ इस तरीके की, जो बीच में बहुत ज़्यादा चली थी फिलिप्स की, तो भैया फिलिप्स की तो मैं नहीं बाय कर सकती थी उस टाइम पे, ये मेरी बहुत पुरानी है। सो कुछ इस तरीके की है, कोम वाली जिससे आप कोम कर सकते हैं। ये आपको इसका प्लग मिल रहा है, टू केबल वाला। सो ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ये आपको यहाँ से स्टार्ट करने का मिलता है, या आप लो कर सकते हैं, यहाँ आप मीडियम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख जाता है कि जो आपने कितना कर रखा है, शायद 260 या 200 के आसपास इसका टेम्परेचर है, 180 से स्टार्ट है, ऐसा कुछ है इसका। सो ये बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छे से काम करती है, बट ये उनके हेयर्स पे काम करेगी जिनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है, उनके बहुत अच्छे से करती है। मेरा वॉल्यूम ज़्यादा था जिस वजह से ये अच्छे से काम नहीं करती थी, तो मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। अगर आप इसको बाय करना चाह रहे हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ये बिल्कुल आपको मिल सकती है 200 रुपीज़ में, मैं इसको सेल आउट कर सकती हूँ अगर आप कोई लेने में इंटरेस्टेड है तो। सो ये एक हेयर स्ट्रेटनर है जो कि मैंने आई थिंक 1-2 टाइम्स यूज़ की, क्योंकि मेरा वॉल्यूम अच्छा था, दैट्स वाई मैं इसको यूज़ नहीं कर पाई, मैंने बहुत कम यूज़ की, लिटरली मैंने शायद 1 या 2 बार ही यूज़ की है। बट जिनके कम वॉल्यूम है उनके लिए परफेक्ट है, अगर आप बाय भी करना चाह रहे हो तो आप बाय भी कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे है मेरे पास दिस हेयर ड्रायर जो कि एक कूपन में मुझे खुला था, यस ये मैंने बाय नहीं किया है, ये वाला मैंने बाय किया था, ये मेरी मॉम मेरे लिए लेकर के आई थी, जो ये वाला कॉम हेयर स्ट्रेटनर है। ये है इनोवा का, इनोवा इज़ द लोकल ब्रांड जो कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मिलता है, इस तरीके का केबल आपको मिलता है, इनके काफ़ी अच्छे एक्सटेंशंस है यू कैन सी, एंड यहाँ आपको मिलता है हाई पावर एंड लो पावर, इस तरीके के दो स्विच दे रखे हैं। बहुत ही अच्छा ड्रायर है, इसको भी मैं 3 साल से यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने शादी के टाइम पर यूज़ करना स्टार्ट किया था, बट ऐसे ये पुराना है क्योंकि इससे पहले भी मैं दूसरा इनोवा का मिनी साइज़ यूज़ करती थी, ये वाला लार्ज साइज़ है। तो इसके आगे कोई एप्लीकेटर नहीं है, मुझे लेना है, मे बी अगर मैं मार्केट जाती हूँ तो मुझे याद आ जाता है, तो मैं बिल्कुल ले लूँगी। नेक्स्ट इज़ दिस अनदर वन, आई थिंक ये भी इनोवा की है, ये मैंने मीशो से ली थी, इट्स अ स्ट्रेटनर प्लस कर्लर, कुछ इस तरीके का इसका एक्सटेंशन है, यू कैन सी ये कुछ इस तरीके का एक्सटेंशन है। ये वेडिंग में मैंने अभी यूज़ की थी शिवानी के ऊपर। सो इसका जो ये मेटल है इसकी क्वालिटी बहुत लो है, इसके साथ आपको ये कॉम मिल रहा है जो कि आपको अलग से मिलता है, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हो, निकाल भी सकते हैं। ये है इसको कर्लिंग का, इस तरीके से आप इसको कर्ल कर सकते हैं, और ये आप इसका स्टैंड इसको रखने में ईजी रहता है। बट आपको मैं ये बता दूं कि ये भी गर्म चीज़ हो जाती है, मतलब ये जो पार्ट है ये भी गर्म हो जाता है, दैट्स वाई थोड़ा सा ये ठीक है, बट ये बहुत सुपर अफोर्डेबल है। ये मुझे 170 या 150 रुपये की ही मिली थी मीशो से। इसमें ये मिलता है आपको ऑन एंड ऑफ बटन, यहाँ पे आपको रेड लाइट मिल रही है, बट इसमें आपको कोई टेम्परेचर का वो नहीं मिल रहा है कि कितना हीट हो रहा है कितना हीट नहीं हो रहा है। ओके मशीन है, आपका टेम्प्रेरी काम तो हो ही सकता है, बट अगर आप प्रोफेशनल है तो डू नॉट बाय दीज, ये प्रोफेशनल्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट इज़ दिस वन अनदर, ये भी शायद इनोवा की ही हेयर स्ट्रेटनर प्लस कर्लर है, ये दोनों काम करती है। यहाँ से आप स्ट्रेट कर सकते हैं एंड आप इसको यहाँ पे लॉक कर दीजिए, ये लॉक हो चुकी है, यहाँ पे लॉक बटन दे रखा है, लॉक
ऐप है और ये है ऑन एंड ऑफ, सो यहाँ से आप कर्ल कर सकते हैं। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ कर्लर एंड ये भी मैं प्रोफेशनल्स के लिए यूज़ कर रही थी, बड़ी प्रोफेशनल्स के लिए बिल्कुल नहीं है इसलिए ब्लास्ट हो गई थी, बट यानी उसको प्रिपेयर करा लिया, प्रिपेयर हो गई। इसने मुझे सेट 200 रुपीज़ कॉस्ट किया था, ये लोकल मार्केट की इनोवा की ही है जो पहले स्टार्टिंग में चली थी, 2-in-1, 3-in-1 चलती है वेगा की और फिलिप्स की, तो दीज काइंड ये उससे कुछ टाइप की है। सो आप इस तरीके की भी लेना चाह रहे हैं, अगर आप टीनेजर हैं, ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं, जो कि आप कभी कभी थोड़ा सा कर लेते हैं हेयर स्ट्रेट या कर्ल्स, सो आप इस तरीके की बाय कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लास्ट है वो ये है कि है आइकॉनिक की प्रोफेशनल ग्लैम हेयर स्ट्रेटनर, कुछ इस तरीके की स्ट्रेटनर है, ये परफेक्ट फॉर प्रोफेशनल्स के लिए है। इसका जो एक्सटेंशन है बाकी सारे एक्सटेंशन से डबल है, यू कैन सी इसका जो एक्सटेंशन है वो बहुत बड़ा है। इसको मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, इसने मुझे शायद उस टाइम पे 2,500 रुपये कॉस्ट किया था, 2,500 रुपये के आसपास की है ये, 2,500 से 3,000 की है। मैं ट्राई करूँगी कि मैं लिंक्स प्रोवाइड कर दूँ स्क्रीन पर, आपको इमेजेस प्रोवाइड कर दूँ जिससे आप अगर लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। इसका जो प्लेट है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे से ये स्ट्रेट कर देता है, आप चाहें तो इसको कर्लिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसका फुल रिव्यू देखना चाह रहे हो तो कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑन एंड ऑफ, यहाँ आपको लाइट मिल जाती है, यहाँ पर आपको टेम्परेचर मिल जाता है, तो ये स्टार्ट होता है 90 टेम्परेचर से, तो ये रहता है 230 तक। सो ये है इसका टेम्परेचर पॉइंट, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। इसमें आप फोल्डिंग के लिए आपको इस तरीके का रबर भी दे रखा है जिससे आप इसको फोल्ड करके बांध कर रख सकते हो। तो ये था एक स्ट्रेटनर जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है तो ऑब्वियसली बात है कि अच्छा ही होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, आप कुछ भी चाहते हैं, किसी भी तरह की मेरे से वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल रही, तो प्लीज़ गाइस रिक्वेस्ट रहेगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, आने वाली सभी वीडियोस से आप नोटिफाइड पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ब्लेस्ड, बाय।